हाय गाइस, आई एम प्रियंका एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। जो आज का व्लॉग है वो है गुजराती थाली एट होम। सो कम ऑन, लेट्स गो। सो गाइस, आज की जो गुजराती थाली है उसको खाने के लिए ना तो मैं जा रही हूँ कोई रेस्टोरेंट और ना ही है मैं खुद घर पे बना रही हूँ ये थाली। खाने के लिए गाइस मैं जा रही हूँ अपनी फ्रेंड के यहाँ, फ्रॉम वर्ली टू बोरीवली। और इनके यहाँ ना मैंने बहुत बार गुजराती खाना खाया है एंड शी रियली कुक सो वेल कि मैंने सोचा कि क्यों ना आपके साथ भी इसको मैं शेयर करूँ। एंड चलिए, अभी यहाँ से पहुँचने में मुझे लगेगा लगभग एक घंटा। आई एम सो एक्साइटेड, मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है क्योंकि मैं खाऊंगी भर पेट गुजराती थाली। सो कम ऑन, चलते चलते जल्दी जल्दी पहुँचते हैं। सो गाइज, ये देखिए मुंबई में हो रही है बहुत जोरों शोरों से बारिश और इस बारिश में ना मैं जा रही हूँ अपनी फेवरेट गुजराती थाली खाने के लिए, जिसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। बट आई एम हैप्पी कि आज ट्रैफिक कम है तो जल्दी जल्दी पहुँचते हैं। सो गाइज, मैं बोरीवली पहुँच चुकी हूँ बट मेरी फ्रेंड के घर जाने से पहले मैंने सोचा क्यों ना कुछ गुजराती फरसान ले लिया जाए। तो मैं आ गई हूँ पुरुषोत्तम जी की शॉप पर, जिनके इतने ज़्यादा रिव्यूज थे ना कि आई वॉज टेम्पटेड कि यहाँ से तो मैं फरसान आज ट्राई करके ही रहूँगी। सो ये देखिए गाइज, यहाँ पे फ्रेश फ्रेश फरसान बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे अभी कचौरी अवेलेबल है, ये स्प्रिंग समोसा अवेलेबल है, फराली पैटिस अवेलेबल है और ये खमन, अरे वाह खमन भी है, क्या बात है, पात्रा है और ये कुछ मेयो कटलेट। तो मैं ज़रा चूज़ करती हूँ कि क्या क्या चाहिए। तो भैया हमको ये कचौरी लगा दीजिएगा 200 ग्राम, ये स्प्रिंग समोसा, खमन और पात्रा, और ये भी हाँ फराली पैटिस भी दे दीजिएगा। गाइस ये ना ये फरसान देख देख के तो भूख और बढ़ चुकी है क्योंकि अभी तक कुछ नहीं खाया ना। तो चलो ये सब चीज़ें पैक कराते हैं और सीधे खाएंगे अपनी गुजराती थाली के अंदर ये सारे फरसान। गाइस ये देखिए फरसान तो मैंने इतने सारे जो है ले लिए हैं, बहुत सारे लिए, कुछ कुछ ना मैंने अपनी मम्मी के लिए भी लिए हैं। पर मैंने सोचा मुंह भी तो मीठा करेंगे ना, तो यहाँ पे लगी है बहुत सारी चमचमाती चमचम वाली मिठाइयाँ। पर गाइस मैंने चूज करा है राजभोग वाला रसगुल्ला, तो मैं ना ये भी पैक करा के ले जाती हूँ और फिर आराम से बैठ के खाएंगे। तो ये हमको 5 पैक कर दीजिएगा। चलिए अब इसकी बिलिंग करा देते गाइस, चलो चलो चलो। फरसान भी अपने अच्छे तरीके से सजा देंगे हम लोग। और भावेन भाई कैसे? बस बस एकदम बढ़िया। इतने सीरियस हो गया, थैंक यू थैंक यू। ये है नाजो, बड़ी क्यूट सी है और बहुत बहुत अभी मेरे लिए चाय भी बनाएगी, बहुत अच्छी सी। सो गाइस ये देखिए यहाँ प्रीति ने सब तैयारी व्यारी करी, अपनी भिंडियाँ घुमा रही है ताकि नीचे से ऑयल जो है ऊपर आ जाए और चमचमाती भिंडी दिखे। हम लोग फिनिशिंग टच अब अपने खुद देंगे। भिंडी में डाल दूं? जी। ओके, और किस किस में डालूं? ये देखो इसमें भी डाल दूं? हाँ। ये इसमें तो काजू दिख रहा है मुझे इतने तैरते हुए, क्या बात कर रहे हो, काजू दाल में काजू? Oh, I can't believe that. बहुत सारी चीजें जो है बनाई गई हैं और अब आप थाली सजा दो। ओए थाली गाइस, ये थाली की भी एक कहानी है, बहुत ही चमचमाती है, तांबे वाली थाली है एंड बहुत ही हैवी ड्यूटी थाली है। अभी थाली लगने के बाद ये और भारी हो जाएगी, जो ये थाली की चमकार है ना हमारे चेहरे से भी ज्यादा चमक रही है। ओके, सो दिस इज गुजराती दाल। ओह खट्टी मीठी वाली, दिस इज खट्टी मीठी दाल, लवली। एंड ड्यूरिंग वेडिंग्स वी हैव दिस रिचुअल ऑफ एडिंग कैजू नट्स एंड पीनट्स। गाइस मैंने तो ना अभी तक सिर्फ मूंगफली के दाने दाल में खाए, आज पहली बार एक काजू पड़ी दाल खाऊंगी मैं और मुझे ये बहुत एक्साइटिंग लगी। मिर्ची, फ्राइड ग्रीन चिली, इसमें नमक भी है? नमक भी है, दीस आर नॉट स्पाइसी। अच्छा, टू बी एंजॉयड, टमाटर वाले आलू। हाय ये मेरी फेवरेट है आलू टमाटर, बट ये आपके अलग दिख रहे हैं मुझे। So this is a little khatta meetha taste. So tomato ki khatas hoti hai and we put a little sugar. Okay. Just to balance the khattapan. So because ye kheer aur puri ka combination hai. Haan. So kheer and puri goes completely, you know, with aloo. You Haan, need aloo ki sabzi. Sunday lunches are always grand in Gujarati family. Very nice. Kisne banayi hai ye kheer? Aapne ya Bhavin bhai ne? Yeah. Everything that you're seeing today. You made it. Every. Wow. This is really good. This is like a salad jaise, I think kacha paka. Haan, kacha paka hota hai. Special kobino sambaro. This is like cabbage, carrots, capsicum. Ye pakode ke bare mein batao guys, ekdam garma garam pakode kadai mein se nikal ke aaye hain. Kis cheez ke? This is known as methi na fulavda. मतलब मेथी के पकोड़े? यस। अच्छा मेरे को देखो आसान भाषा में, गोटे मेथी, मेथी के गोटे। ओके तो एक तो मैं खा ही लूं। या प्लीज ईट।
सो दिस इज अ स्लाइट स्वीट टिंच आपको लगेगा क्योंकि इसमें राइट बनाना स्मैश करके डाले मैंने यहाँ पे. गाइस हमारे पास और भी बहुत सारे फरसान है. सो ये है खमन जिसको हम ढोकला बोलते हैं अक्सर. ये है पात्रा. दिस इज गुंडा केरी नो अथाणू विच इज अ स्पेशल गुजराती पिकल. ये गाइस ये देखो गर्मा गर्म एकदम गोल मटोल मेरी तरह पूड़िया बन के आई है. दीज आर रियली नाइस. खीर के साथ कॉम्बिनेशन खीर पूरी पूरी. या दैट्स ट्रू. ओके गाइस यहाँ हमारी होम मेड गुजराती थाली जो रेडी हो चुकी है. बहुत ही मेहनत से प्रीति जी ने इसको सजा धजा के तैयार कर दिया है. सो देखो वापस दिखाऊंगी गाइस. यहाँ हम पूड़ी से स्टार्ट करते हैं. तो ये है गर्मा गर्म फुलके वाली पूड़ियाँ. ये है खीर जिसको फाइनली पिस्ते विस्ते केसर के साथ डेकोरेट करा गया है. ये आलू टमाटर की सब्जी है. खट्टी मीठी दाल राइस देखो हमने अच्छे से सजाया था. थोड़ा सा फूट गया है. ये हमारे मिर्चे अचार ये सैलेड भिंडी और ये गाइस सारे के सारे फरसान है जो बहुत सारे हैं. तो सबसे पहले क्या स्टार्ट करूं मैं आप बताओ. सो आइडियली गुजराती में मीठे से शुरुआत होती है. खीर पूड़ी. यस हम ब्राह्मण आदमी है भाई. खीर पूड़ी से नहीं ब्राह्मण लड़की है. आदमी कैसे बोल दिया. आई एम अ ब्राह्मण गर्ल सो लेट मी स्टार्ट विद दिस. ओहो क्या बात. अरे हाय हाय ठंडी ठंडी खीर है गर्मा गर्म पूड़ी है. And then you take a bite of the aloo ki sabzi. एक मिनट पहले मैं enjoy तो कर लूँ ना. क्या गजब की खीर बनाई है सच में. Thank you. बहुत दिनों बाद बहुत अच्छी खीर खाने को मिली. मैं सच बता रही हूँ. अभी आलू टमाटर ये मेरा फेवरेट है. इसको मैं राइस के साथ खाती हूँ जो मेरे घर में बहुत कम बनती है गाइस. Very different. रेसिपी समझाओ. सो दिस इज जस्ट आलू विद टमाटर एंड राई का तड़का मारा है. राई जीरे का तड़का होता है इसमें. okay. और थोड़ा सा गरम मसाला लाल मिर्च हल्दी नमक दैट्स इट. मतलब ज्यादा मसाले वाले नहीं. ज्यादा मसाले नहीं. ओके बट इसमें जो खट्टा मीठा का जो कॉम्बिनेशन इन्होंने बाइंड करा ना वो बहुत ही माइंड ब्लोइंग है सीरियसली. शुगर इज अ पार्ट ऑफ एवरी गुजराती सब्जी. अच्छा ओके वो जो खट्टा मीठा बैलेंस होना चाहिए. पहले मैं मिर्ची खाऊंगी जो आपने मुझे बोला है तीखी नहीं है. गाइस ये मेरी तरह एकदम तीखी तीखी मिर्ची नहीं है. दिस इज भावनगरी मिर्ची. तो ये तीखे नहीं होते. नहीं होते बिल्कुल तीखे नहीं होते. दिस इज मेंट टू बी एंजॉयड लाइक दिस. तीखे सच में नहीं है. सच्ची तीखे नहीं है. और इसके अंदर टेस्ट बहुत अच्छा रहा है. जब ये मिर्चे फ्राई हो जाते हैं ना तो वाकई मुझे पर्सनली फ्राइड मिर्चे बहुत अच्छे लगते हैं. और ये अब आपका है सैलेड. दिस इज एक्चुअली कोबिनो संभारो. हाँ हाँ. सो इट्स लाइक अ पार्ट ऑफ सैलेड. हाँ हाँ. तो इसमें सिर्फ कैप्सिकम कैरेट्स कैबेज और हल्दी नमक दैट्स इट. बहुत ही मसाला. ये इतना सिंपल है बट इतना ज्यादा फ्लेवरफुल है. इसमें आप तीनों सब्जियों के ना आराम से टेस्ट आइडेंटिफाई कर लोगे जबकि मिली हुई है. कैबेज का अलग टेस्ट आ रहा है. गाजर का अलग टेस्ट आ रहा है. कैप्सिकम का अलग टेस्ट आ रहा है. इसके अंदर इन्होंने जो राई डाली है ना वो प्रॉपरली तड़की हुई राई है. नहीं तड़कती नहीं तो कड़वी रह जाती है ना. अभी मैं पूरी और भिंडी खा लेती हूँ. पूरी के साथ भिंडी खाऊंगी और मैं थोड़ा सा दाल भी लगाऊंगी क्योंकि खट्टी मीठी दाल का भाई अपना ही जायका है. नहीं राज बताओ ये मतलब ये आपने बोला शादी में बनती है दाल. दूल्हे को रिझाने के लिए काजू डाले जाते हैं या दुल्हन को रिझाने के लिए काजू डाले जाते हैं. बारात को रिझाने के लिए. क्योंकि जनरली गुजराती दाल में मैंने सिर्फ मूंगफली डली हुई खाई है. पर ये बहुत गजब की हम लोग घर में बनाते हैं ना ऐसे नहीं बन रहा. और आपने बोला ये ग्रीन वाली चटनी भी कुछ अलग है. इसमें क्या है. सो दिस इज मेड फ्रॉम ढोकलास. ये ढोकला का ही यू नो पेस्ट बना के उसमें ये चटनी में ढोकला है. क्या बात है यार. मतलब मुझे लगा धनिया मिर्ची की चटनी होगी पर ये ढोकले की चटनी है. मतलब जो पीला ढोकला है ये भी मुझे पसंद है. ये पीले ढोकले को तो हरा. दिस इज खमन एक्चुअली. खमन और ढोकले में क्या फर्क है. असर ढोकलास है तो वाइट वाला बट ये खमन होता है. तो बट इसकी नहीं चटनी. हाँ लेकिन बोलते खमन ढोकला ओनली. मैं तो नॉन गुजराती से हम तो इसी को ढोकला बोलते हैं. बहुत बढ़िया है. सब कुछ बहुत ही अमेजिंग. पात्रा खा लेता ये तो हम दुकान से लाए हैं. अच्छा बुरा कैसा है बाद में पता चलेगा. हाँ पुरुषोत्तम का भी है तो अच्छा. बट देयर इज लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन मराठी पात्रा एंड गुजराती पात्रा. या दैट इज आलू वड़ी एक्चुअली. आलू वड़ी. हां यहां यू विल गेट अ लिटिल खट्टा मीठा टेस्ट इन दिस. हां 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 वो डिफरेंट होता है. मीठे के चक्कर में मैं दाल चावल खाना भूल गई हूं. अभी मैं अपना दाल चावल खाऊंगी. सबसे पहले तो यू विल नॉट ईट दाल चावल विद चम्मच. अच्छा ओके. हाथ से खाना. दिस विल बी एंजॉयड ओनली विद योर फिंगर्स. ओके एंड अनदर थिंग दैट इज इंपॉर्टेंट इन गुजराती दाल चावल. यू नीड लॉट्स ऑफ ओह ला ला. ओके तो पहले मैं अपने चावल फोड़ तो दूं. शायद सब होगी. बस बहुत घी है इसमें. काजू वाली दाल तो गाइस पहली बार खाने को मिली है मुझे. मैं इसके सारे काजू जो है मजे से एंजॉय करूंगी विद माय पापड़. डोंट फॉरगेट द अचार. ये आपका स्पेशल गुजराती अचार. ये गुंदा है. ओह इसके अंदर तो पूरा मसाला भरा है. देखो क्या बात है. गजब. ये तो मैं मसाला पहले खाऊंगी. ये मैं मसाला अपने दाल चावल में मिलाऊंगी और इसको खा के देखती हूं कैसा है. खट्टा खट्टा ऐसा खट्टा नींबूड़ा लग रहा है.
ये मैंने पहली बार खाया है और वाकई अच्छा है। अब देखो अचार की मिक्सिंग, ये वैसे टेक्निक अच्छी है, नहीं तो वो चम्मच से मजा नहीं आता और लगता भी नहीं मिलता। क्या बनाया प्रीति यार, मजा आ गया। ये दाल चावल खा के ना जो सुकून मिलता है ना, ये ऐसी थाली है जो इतने प्यार से फुल फॉर्म के अंदर बनाई गई, आपको कहीं नहीं मिलेगी, कोई रेस्टोरेंट कोई फाइव स्टार होटल कहीं नहीं मिलेगी, सिर्फ मिलेगी मेरी दोस्त प्रीति के यहाँ, जो सिर्फ मुझे मिलेगी आपको नहीं मिलेगी। यू ऑल आर वेलकम, यू ऑल आर वेलकम टू कम होम। बहुत सारे लोग आ जाएंगे, कितना बनाई नहीं मिलता सब जगह, इतने मसाले डाल। हमने बहुत जगह थाली खाई है, बहुत वी ट्रैवल्ड एवरीवेयर, बट व्हाट हैपेंस इज गुजराती में ना कहीं कहीं राजस्थानी टच और पंजाबी टच, ये जो प्योर गुजराती था वो नहीं मिलती, ये सिर्फ घर में ही मिल सकती है कहीं और इतने सिंपल स्वाद है, बट यू नो मतलब आप आराम से बैठ के, लगता बहुत सारा है बट आराम से धीरे धीरे बैठ के ना कुछ कुछ घंटों में ना आराम से थाली खत्म करो और फिर सुकून सुकून से खाना खाओ, जो अब मैं खाने वाली हूँ, कैमरा कर दो बंद, अब मैं अपना खाना एंजॉय करूंगी। सो गाइस अब मैं डिजर्ट की बारी, और डिजर्ट में मैंने खीर तो खा ली बड़े मजे से, पता है मुझे आधा घंटा लग गया अपनी थाली खत्म करने में, और अब मैं खाऊंगी राजभोग के रसगुल्ले। आप क्या बोलते हो, हाथ से खाऊं या चम्मच से खाऊं? ऑब्वियसली हाथ से ही खाना हाथ चाहिए। से अच्छा तो फिर तो ये रस्सा जो है ना मैं सब आराम से खाई। ओ माई गॉड कितना सारा रस्सा है इसके अंदर, केसर ओरे बाप रे बाप, बहुत है, मेरा ड्रेस ना खराब हो जाए खाते खाते। नाजो ने अपने प्यारे प्यारे नाजो वाले हाथों से जो चाय बनाई है, गाइस इतना टाइम हो गया ना खाना खा के, हम लोग तो गप्पे लड़ा के मजे आ रहे थे, अब फाइनली मेरी फेवरेट चाय आ चुकी है। यू पुट अदरक इलायची, क्या क्या डाला नाजो मसाला? ग्रीन टी बनाया है, अच्छा शक्कर भी डाला है। कितना ध्यान रखती दीदी को, बट नाजो सच्ची चाय बहुत अच्छा बनाया आपने, बहुत बहुत सरस छे, सही बोला, बहुत सरस छे, बहुत सरस छे, बहुत मजा मा। गाइस मेरी गुजराती पंजाबी मराठी सब मिक्स हो जाती है, तो प्लीज उसके लिए सॉरी, बट चाय वाकई उसने बहुत अच्छी बनाई है। और अब आज का ब्लॉग करते हैं खत्म, आई होप आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, इस स्पेशल थाली के लिए तो खूब सारे लाइक करना। ओके गाइस चलो अब मिलेंगे नेक्स्ट फ्राइडे, टिल देन स्टे हैप्पी एंड कीप ग्लोइंग, बाय।